अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बकरियाला फार्म्स एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों आज आए हैं बाइकला में आगरीपाड़ा, मुलाकात करेंगे शानू भाई से। शानू भाई की काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे। एक बार फर्स्ट टाइम कवर करने आ रहे हैं शानू भाई को, क्या क्या अवेलेबल है पूछते हैं, क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या प्राइस है, सब इंशाल्लाह कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शानू भाई। शानू भाई बस कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्हम्दुलिल्लाह एकदम। शानू भाई कितने बकरे अपने पास? 12 बकरे। 12 बकरे कौन कौन सी? सोजत, सिरोही और गुजरी। तो माशाल्लाह हर एक बकरा कवर करेंगे आपका। ये जो बकरा आपके हाथ में है फिलहाल, इसकी डिटेल्स बताइए। ये सोजत बकरा है, प्योर सोजत है, लाल चमड़ी में जी। ये 4 दांत का, 4 दांत पर है। दांत देख लो, ठीक है, दांत भी देख लिए, 4 दांत पर है। और ये 60 kg इंशाल्लाह कंफर्म आएगा, 60 kg वेट आएगा इंशाल्लाह। ओके, हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट लगभग 37-38 के आसपास। 37 तो कंफर्म है, 38 कंफर्म है, ठीक है। तो ये जैसे कि अभी वन बाय वन प्राइस भी पूछते रहेंगे हम वीडियो में, वही अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, व्यूअर्स को आसान होता है, घड़ी घड़ी फिर वो प्राइस करते हैं। बराबर, हर एक बकरे का तो हम वीडियो में प्राइस बता देंगे। तो ये बकरे का आप क्या डिमांड कर रहे हो? ये बकरे का मैं 26,000 डिमांड कर रहा हूँ, 26,000 रुपया डिमांड कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, ये सोजत ब्रीड का बकरा है। अंडू है क्या खस्सी अभी फिलहाल? अंडू है, ठीक है, अंडू है। इंशाल्लाह कोई किसी को ब्रीडर के लिए चाहिए तो भी ले सकता है, अच्छी लेंथ में, अच्छी हाइट में, 4 दांत पर है, 60 kg वेट होएगा। छोड़ दीजिए इसको, अपना दूसरा बकरा ले लेंगे अभी अपन, दूसरा ले लेते। ये गुजरी, दूसरा ये गुजरी बकरा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे कलर में है। हाँ। क्या डिटेल्स? एक एक सेलेक्टेड बकरे है भाई, ऐसा ये लॉट का कोई माल नहीं है, मैं कहीं से भी बकरे लेता हूँ ना तो मिनिमम 2 ही बकरे लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। हाँ, यानी कि जो अच्छे बकरे हैं वही आप सिलेक्ट करके लाते हो, ठीक है। माशाल्लाह अच्छे बकरे सब, कलर में भी अच्छे हैं, फ्रेम में अच्छे। इसकी क्या डिटेल होगी? ये बकरा 4 दांत पे, 4 दांत पे, ये भी ये गुजरी नस्ल का बकरा, गुजरी ब्रीड का बकरा है। ये वेट समझो ना 45-50 kg इसका वेट है, 45-50 kg, ठीक है। इसको क्या प्राइस में सेल करना पड़ेगा? अपन मांग रहे हैं 19,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में ही मैं पूछ लेता हूँ ताकि व्यूवर्स को डाउट ना रहे, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा ऐसा प्राइस? भाव ही मैं ऐसा दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह कि इसमें नेगोशिएट देंगे ना, ये रेट का बकरा शायद ही आज के बॉम्बे में आपको। हाँ, मुंबई में काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि खर्चे भी बहुत है। ये कैसे बोलूं, सेट बकरे, सेट बकरे हैं, 15 दिन के सेट बकरे बॉम्बे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, दूसरा बकरा ले लेंगे हम। इसकी क्या डिटेल है शानू भाई? प्रधान भाई ये भी सोजत ब्रीड का बच्चा है, देखो ये गुलाबी है। अच्छा, गुलाबी पिंक स्किन में है, खस्सी है बच्चा, खस्सी है, अदंत है, अदंत है, ठीक है, दांत देख लेंगे इसके भी, अदंत है फ्रेंड ये बकरा माशाल्लाह। क्या वेट पर होगा ये? 50 kg कन्फर्म आएगा, 50 kg कन्फर्म है वेट, ठीक है फ्रेंड, 50 kg कन्फर्म ही है वेट। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इंशाल्लाह, मैं भी देख रहा हूँ बकरे सामने से, बीमार नहीं है, ठीक है, सेट है। तो दूसरा एक इसका प्राइस बोल देता हूँ ना, क्या प्राइस बोल रहे हैं इसका? 24,000, 24,000 आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। दूसरा बकरा ले लेते, वो मुंडा बकरा जो है, दोनों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ब्लैक कलर में, हाँ मस्त। शानू अब सबसे फेवरेट मुझे ये पसंद आया, ये बकरा बहुत है, ब्लैक कलर में काफ़ी खूबसूरत है। क्या डिटेल्स इसकी? वेदन भाई ये 6 दांत कर रहे हैं, 6 दांत कर रहे हैं, और इसका वेट है 60-65 kg के आसपास वेट आएगा। माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है और फुटबॉल है पूरा, हाँ मतलब कुर्बानी के लिए एकदम तैयार माशाल्लाह, ठीक है। क्या इसका प्राइस डिमांड कर रहा है? 28,000 डिमांड कर रहे, ठीक है। सो ये फ्रेंड 28,000 है, दूसरा बकरा ले लेते, ये बकरा ले लेते हैं, ये भी अदंत है माशाल्लाह, ठीक है फ्रेंड, दांत देख लीजिए इसके, क्या वेट पर होगा? 45 kg, हाइट? हाइट 35 के आसपास है। अच्छा, ठीक है, क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं इसका? इसके 18,500 रुपये, ठीक है। माशाल्लाह फ्रेंड, मुंबई क्लाइमेट में सेट है बकरे, और गोल मेटल बकरे हैं,
कहाँ पे भी आपको एक बकरा भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसकी आपको हड्डी देखने को मिलेगी। कमर पे हाथ रख लीजिए, माशाल्लाह सब भरे हुए बकरे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये अलग बकरा है, इसकी क्या डिटेल है शानू भाई? ये भी सोजत बकरा है, सोजत ब्रीड का है। और ये लाल चमड़ी में, लाल चमड़ी में, ये दो दांत का, दो दांत का। और ये अंडू है, अंडू है, दो दांत का, दो दांत का बकरा है। और ये भी 50 kg कंफर्म बकरा है, 50 kg वेट पे है। ठीक है, इसका क्या आप डिमांड कर रहे हो? ये बकरे का 23,000, 23,000 रुपये डिमांड कर रहे हो। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, ये सातवां बकरा है हमारा आज का। शानू भाई इसकी डिटेल्स बताइए। ये भी प्योर सोजत बच्चा है, 80 है, ये भी लाल चमड़ी में 80 है, दो दांत पे है। क्या वेट पर होगा ये? ये वेट 42 kg होगा, 42 kg के आसपास। ये वेट में पहले ज़्यादा था, अच्छा बीमार पड़ गया था बकरा, बीमार पड़ गया, लेकिन अभी अलहमदिल्ला सब रिकवरी कर लिया। अभी इसको देखो, यहाँ एक गार्ड गार्ड है। ठीक है, तो ये भी बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या मैं तो उसको वीडियो में नहीं ला रहा था, लेकिन आपने इंसिस्ट किया तो मैंने। ठीक है, नहीं तो गार्ड तो कोई ऐसा बुरी चीज़ तो नहीं है, उनको तो बता के देना है, किसी को तकलीफ नहीं हो। हाँ, तो अलहमदिल्ला वो तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, 10-15 दिन की बात है वो तो, खाली वो ठीक हो जाएगा। तो माशाल्लाह शानू भाई, दोनों भी गुजरी ब्रीड में, माशाल्लाह अच्छी लेंथ हाइट दोनों ज़बरदस्त है। और समझो ना, इनकी हाइट है ना 39 तो कंफर्म होगी। हाँ, 39 तो होएगी, होएगी, हो सकता है 40 भी हो जाए, 40 भी हो जाए। हाँ। और बाकी डिटेल्स क्या है इसकी? बाकी डिटेल देखो, ये बकरा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ दो दांत पे, माशाल्लाह दो दांत पे है। हाँ। ठीक, और इसकी हाइट लेंथ फ्रेम देखो कितना जबरदस्त, नहीं एक नंबर है बकरा। 66-67 kg होएगा इंशाल्लाह, 66-67 kg वेट। ठीक है, और ये वाला दूसरा है, ये थोड़ा हैवी है, उससे 70 kg के आसपास का बकरा है। और ये चार दांत पे, इसने भी चार किया है, चार फ्रेश है। हाँ। मतलब दोनों जोड़ी है एक साथ, जोड़ी एक ही जगह से है, एक ही जगह की है। ठीक है, ये दोनों का क्या डिमांड कर रहे हैं अपन? फैजान भाई ये है ना, अपन दोनों एक एक बकरे का 30,000 रुपया मांग रहे हैं, 30,000 रुपये। अगर कोई जोड़ी लेगा तो इंशाल्लाह मैं उसमें कम कर दूँगा, कम कर देंगे। तो यानी कि ये जो बकरे आपके, जितने भी बकरे मैं देख रहा हूँ, वो सब ऐसे बकरे हैं कि इंशाल्लाह ईद तक के 100 के पार, 100 के आसपास जाने वाले हैं। बकरे अगर नहीं बिके तो फिर मैं खुद उनको बेच के तैयार करूँ। हाँ, यानी ईद के टाइम पे आप बकरे ऐसे ईद में बिकेगी, और ज़्यादा करके कॉन्सेप्ट पे ईद में ही बेचने का रहता है, ईद में भी। तो ये साल मैं कैसे ट्रेडिंग के हिसाब से बकरे लाया हूँ कि भाई ठीक है चलो। माशाल्लाह कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा है आपका, और बकरे जो बचे हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे लास्ट के तीन बकरे बचे हैं, उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। शानू भाई दोनों की डिटेल्स बताइए। फैजान भाई ये गुजरी बकरा है बच्चा, ये समझो ना 7 से 8 महीने का बच्चा है ये, अदन है, 7 से 8 महीने का है, एकदम बारीक दांत है माशाल्लाह। हाँ, अदन है जी। और ये वेट समझो ना 38 kg आएगा इंशाल्लाह, 38 kg के आसपास। और ये दूसरा वाला दो दांत की है, तो फ्रेश ही होएगा। हाँ, फ्रेश दो दांत पे है। और ये 45 kg का, 45 kg का। ठीक, ये ना सिरोही और गुजरी मिक्स, सिरोही और गुजरी मिक्स है। ठीक, ये 45 kg है, 38 kg, 38 kg। ये बकरे का ना अपन 14,500 रुपये मांग रहे जी, और ये बकरे का 17,000, कितना बोले सर? 17,000 रुपये, एक 14,000 का ये गुजरी, 14,500, और ये 17,000। ठीक है, तो अभी फ्रेंड लास्ट एक आखिरी बकरा बचा है, ये वाला फुल ब्राउन में है, माशाल्लाह लेंथ अच्छी है और बाल भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, बाल, बालों का लुक है उसका, बालों का लुक अच्छा है, अदंत है जी, अदंत बच्चा, अदंत है, लेंथ अच्छी है इसकी, और ये 50 kg क्रॉस बच्चा, 50 kg क्रॉस होएगा इंशाल्लाह, यानी भरा हुआ बच्चा एकदम, ये पालने के लिए एकदम मतलब रेडी है। क्या प्राइस मांग रहे हो इसका? 17,500 रुपये। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, जो भी बकरा आपको पसंद आए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी डिटेल्स लीजिए फिर से शानू शानू भाई से एक बार, और उसका प्राइस का जो भी आपका डिस्कस करना है, नेगोशिएट करना है, बात कर लीजिए, और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है शानू भाई का। शानू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया आपकी जगह पर, शुक्रिया भाई कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। नहीं नहीं, मैं तो बस जाने के लिए रेडी रहता हूँ। एक एक बकरे का वीडियो बनाने का मकसद ही यही था ना कि भाई पूरी डिटेल्स
और प्राइस के साथ उसको ओपन कर दूँ जी, घर लोग को भी प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक बकरा आराम से दोनों साइड से दिखा के उनको, अगर सिंगल वीडियो भी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ वो नहीं है जी जी, क्योंकि मेरे पास तो है वीडियो रखी हुई। माशाल्लाह हमने काफी अच्छे से कवर किया है एक बकरा, कस्टमर व्यूअर्स को दिक्कत नहीं आना चाहिए, बकरे का टेंशन ही नहीं, टेंशन नहीं, सब साइड से कवर करके दांत, हाइट, वेट, प्राइस सब मेंशन में। और जो दिक्कत थी बकरों में वो तो हमने एक तो दिक्कत ही वो तो बता ही दी है। ठीक है, तो फ्रेंड बकरे देखे हुए माशाल्लाह, मैंने भी काफी, तो बेनिफिट ये है कि बकरा कम से कम 15 दिन से मेरे पास सेट है, सेट है, मुंबई क्लाइमेट में सेट है, कोई भी बकरा ऐसा नहीं कि जो आजकल ना, यानी कि जैसे कि दिक्कत होती है, जैसे जो व्यूअर्स को बताएं, अगर नया बकरा कोई खरीद के लाता है डायरेक्ट, अगर परचेस करता है तो क्या दिक्कत आती है उनको? नया बकरा आता है ना फैजान भाई, देखो फिर सबसे पहले तो आता है वो बेचारा वो गाड़ी में आता है, कट्टू की गाड़ी में जी, अभी हर कोई का बकरा एकदम, चलो जिसका ट्रेन में आया ठीक है वो सही सलामत आ जाता है, उसके साथ कोई बकरा नहीं रहता। अब कट्टू की गाड़ी में क्या, यहाँ रुकते वहाँ रुकते, फिर वो दूसरे बकरों का इन्फेक्शन लगता है उसको जी, ऐसा सिंगल बकरा आता है तो उसको इन्फेक्शन के इतने चांसेस नहीं रहते। मेन सब में मेन बकरों में प्रॉब्लम आती है ना जब स्टेट का पानी चेंज होता है। हाँ, अब जैसा राजस्थान स्टेट में अलग है, महाराष्ट्र स्टेट का पानी अलग, पानी अलग है, बकरा जब भी आपके पास किसी कोई भी नवा बकरा लावे ना तो उसको कम से कम 2 से 3 दिन तक तो गर्म पानी बॉईल करके और उसमें थोड़ा सी गुड़ अजवाइन डाल देंगे ना, तो इंशाल्लाह उसकी सर्दी, उसका कफ जो भी है वो टॉयलेट के थ्रू निकल जाए। तो ये तो आपको सब पता है, ये सब चीज़ें करना है, नए लोगों को ये सब चीज़ें मालूम नहीं रहती। कोई अभी कैसे, हम लोग भी चाहते हैं कि शौकीन बड़े हुए, जैसे अभी हम लोग भी शौक कर करके धंधा करने लगे, बराबर ऐसा नहीं है कि अपन भी सब चीज़ सीख के आया, कोई सिखाया, धीरे धीरे सीखते, कोई चीज़ अभी इतनी मेरे को भी सब चीज़ की मालूमत नहीं जी, जी। अब मैं आपसे भी कभी कभार राय लेता हूँ जी, आप बताते हो मेरे को, और भी मेरे एक दो दोस्त लोग हैं उनसे भी राय लेता हूँ कि भाई ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए, ऐसा तो कोई एकदम कंप्लीट नहीं है, ये लाइन कंप्लीट नहीं, बराबर हर एक बकरा नया कुछ सिखा के जाता है, ऐसा भी हर अभी हर बकरा अभी कैसा है, हर इंसान अभी वो सिर्फ वेटरनरी है 100% कंप्लीट जी, उन्होंने वो सब चीज़ की पढ़ाई की, बराबर सब चीज़ को पढ़े, तो अपन क्या प्रैक्टिकल खाली करते करते सीख गए जी, ऐसा है। तो बकरों को जब भी आप नवा बकरा लाओ ना तो उसको 2 से 3 दिन बॉयल पानी दो और थोड़ा पानी दो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर उसको रोज का पानी दो, बस दिन में एक टाइम वो भी 12 या 1 बजे के, और उसको सूखे चारे पर रखो, हरी पत्ती या पत्ता, अनाज को अवॉइड ही करो, अनाज को अवॉइड। तो ये तो दिक्कत थी नया बकरा आने में, और दिक्कत जैसे कि अभी तो जैसे देवनार बंद है, बकरा आ रहा है कल्याण में। हाँ, अब कल्याण मंडी का तो हाल इतना खराब है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ, मतलब इतना कीचड़ रहता है कि अपने पैर की एड़ी नहीं दिखती, कीचड़ में बकरा अगर उतर गए। वही मैं बोल रहा था फैजान भाई, देसी बकरा मंडी से आता है ना आपके घर से, तो उसको पोटेशियम के पानी से उसके कोर वोर अच्छे से साफ कर लो, और ज़्यादा भी पोटेशियम नहीं डालना चाहिए, तो थोड़ा ही डालना चाहिए, तो वो चमड़ी फाड़ देता है बकरे, और बकरे का पैर गीला नहीं हुए ज़्यादा देर तक, उसको फट से टावल से पोछ लो। तो ठीक, थोड़ा बहुत हेयर ड्रायर या पूछे तो उसको सुखा लो। तो ठीक है फ्रेंड, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे नया बकरा आने में क्या क्या दिक्कत होती है, वो फेस करना पड़ता है, इतना आसान नहीं रहता है। तो मैं तो ये प्रीफर करूँगा कि आप मुंबई में सेट क्लाइमेट बकरा लीजिए, और मोस्टली देख के लीजिए, विजिट करके लीजिए। ज़्यादातर आने में बकरे बीमार हो जाते हैं, डिटेल्स बराबर नहीं आती है, तो ये सब दिक्कतें आती है। तो ये है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोले कि डिटेल्स, अब वहाँ से बोलते क्या है और बकरा आता क्या ऐसा वो लोग बोलते। और सबसे पहले तो मेरी एक ऐसी आदत है ना फैजान भाई, कि मैं कभी जिंदगी में नीचे बैठ के वीडियो ही नहीं निकालता हूँ, बराबर, और जो मेरे को नीचे बैठ के वीडियो निकाल के भेजता है ना, मैं उसका फोन मतलब वो वीडियो देखता भी नहीं, देखते भी नहीं, वो पसंद ही नहीं, पसंद ही जो है वो नेचुरल तरीके से निकालो, बराबर डिटेल्स आपकी सही रहे, आता है कि उसमें कोई फंसे हुए नहीं, क्योंकि फंसा के कोई मतलब नहीं है, एक ही टाइम आदमी फंसेगा, घड़ी घड़ी थोड़ी फंसेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, शुक्रिया शानू भाई आपका बहुत जजाक अल्लाह आपके अभी आने के लिए फैजान भाई, इंशाल्लाह आते रहिए, मुलाकात करते रहिए, नहीं आते रहेंगे इंशाल्लाह, जब भी अवेलेबल रहेंगे आपके पास बकरे रहेंगे आते रहेंगे, कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, अल्लाह हाफिज़।